देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र राज्य का पहला ट्रांसजेंडर वार्ड शहर के गोकुलदास तेजवाल अस्पताल में बनाया गया। इस आरक्षित 30 बेड वाला ट्रांसजेंडर वार्ड का उद्घाटन महाराष्ट्र सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री गिरीश महाजन ने किया। इस अस्पताल में ट्रांसजेंडर मरीजों के लिए जेंडर परीक्षण, ICU, मनोचिकित्सक जैसे अन्य सुविधा इस वार्ड में दिया गया है। जीटी अस्पताल के ट्रांसजेंडर वार्ड में 2 बाथरूम और 3 शौचालय होंगे। परीक्षा कक्ष और ड्रेसिंग रूम भी शामिल किया गया है। इसके साथ ट्रांसजेंडर के इस सुविधा के लिए मरीज के पास सरकारी पहचान पत्र नहीं है तो उन्हें स्वप्रमाणित पत्र दिया जाएगा। उद्घाटन में शामिल जैनब पटेल खुद एक ट्रांसजेंडर हैं। उनका कहना है कि महाराष्ट्र में 70,000 तृतीय पंथ के लोग रहते हैं। महाराष्ट्र सरकार का ये महत्वपूर्ण कार्य है। इस प्रकार केंद्र सरकार द्वारा अन्य राज्यों में ट्रांसजेंडर के लिए स्वास्थ्य सुविधा लाभ देना चाहिए। अगर आप सिर्फ एक महाराष्ट्र जैसे एक जगह देखते हैं जो इंडिया का आर्थिक कैपिटल है, वहाँ पे ही अगर हमसे मुंबई की जनगणना देखी जाए तो करीबन 70,000 तृतीय पंथी के व ट्रांसजेंडर हिजड़ा समुदाय के लोग हैं, तो उनके लिए तो फिलहाल ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। आई होप भारत सरकार और दूसरे राज्यों की सरकार भी ये प्रकल्प आगे लेके जाए और इसको स्केल अप करें। ठीक है, थैंक यू।